हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज फिस्कल फेडरलिज्म। सो दिस इज पार्ट टू ऑफ आवर सीरीज ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म लेक्चर्स। सो टुडे वी विल डिस्कस, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ ब्रीफ डिटेल अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग एंड ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म। सो जस्ट अ क्विक रिविजन, वी हैव डिस्कस्ड वाट डू यू मीन बाई फिस्कल फेडरलिज्म। सो वी हैव ऑलरेडी discuss the definition that is the division of the finances or the financial relations between the different organs of the government, that is fiscal federalism, how the revenue and expenditure part has been divided among the different units of the government, that is the union and states, and the third tier is your panchayats and municipality, that is local self-government. Okay, and we have also discussed how this fiscal federalism has evolved. So we have already discussed that in 1919 it has started. So the subjects have been divided in central and provincial. So some subjects have been devolved to central and some subjects have been devolved to provincial, and thus they have given autonomy to impose taxes on whatever subjects they occupy authority onto. And then 1935 Government of India Act. So the grants have been, the income tax have been devolved to as per the recommendation of the Simon Commission. There is one more committee also which was set up in 1931. So on the recommendations of the Simon Commission as well as the committee, that is the Viscarell Committee, I don't remember the exact name, but the committee recommendation, on the basis of the committee recommendations, the income tax has been devolved to the provinces. So grants have been provided, plus some finances have been devolved to the provinces along with the autonomy of the provinces to impose various, impose taxes on the common masses to collect taxes. Okay, so this is just a brief background, whatever in after independence, just a extension of Government of India Act 1935 occurs. So the same mechanism of distribution of finances has been followed after independence also. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फिस्कल फेडरलिज्म में कि कैसे टैक्सेशन पावर्स कैसे डिवाइडेड हैं, डिवीजन ऑफ टैक्सेशन पावर्स, we'll also discuss the CSS, the Finance Commission, the Niti Aayog and other relevant topics related to fiscal federalism. ठीक है ना, so starting with fiscal federalism. Now अब हमने जैसे अभी बताया कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ही एक्सटेंड कर दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस आल्सो, तो क्या हुआ 1935 के एक्ट में, मैंने आपको बताया इससे कि केवल इनकम टैक्स ही डिवोल्व किया जाता था, जो कि डिविजिबल पूल जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल पूल। सो आई विल रब इट डाउन। सो डिविजिबल पूल में है ना, डिविजिबल पूल में इनकम टैक्स को डिवोल्व किया जाता था। ठीक है, ये प्रोविजन ही अडॉप्ट किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब इससे पहले हम इसको पढ़ेंगे कि क्या चेंजेस आए टैक्सेशन पावर्स में, क्या पहले थे और क्या बाद में चेंजेस आए। उससे पहले हम ये समझ लें, जो कि हमने एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ली थी, तो अंडरस्टैंडिंग, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस इम्पोज कर सकते हैं, जो कि सेंटर यूनियन लिस्ट में जो टैक्सेशन एंट्रीज हैं उसके हिसाब से टैक्स इम्पोज करता है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में जो एंट्रीज हैं। ठीक है, इवन आफ्टर GST कुछ एंट्रीज डिलीट कर दी गई और कुछ एंट्रीज उसमें ऐड कर दी गई GST में। तो मैं आपको ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो आई वॉन्ट टू टेल यू बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, कि अभी करंट क्या है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो
क्योंकि बहुत ज़्यादा सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज थी और देश की स्थिति इवन इकोनॉमिकली वॉज वेरी बैड, एंड जो कि प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंसेस को एक करके जो हमारे देश को इंटीग्रेट किया गया था, हमारे ऑनरेबल दैन होम मिनिस्टर एंड वीपी मेनन द्वारा वो जो हुआ था, तो उसकी वजह से जो कंसेप्चुलाइज किया गया था इन वाइल्ड ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दैट देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर दिया गया था, यानी कि सेंटर को ज़्यादा पावर्स दी गई थी ताकि वो एक कर सके, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर दी गई थी ताकि वो सारी प्रोविंसेस को इकट्ठा करके रख सके। लेकिन साथ में फेडरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, वो क्यों किया गया था, क्योंकि हमारा कंट्री बहुत ही डाइवर्स है, आवर कंट्री इज वेरी डाइवर्स, ठीक है, कैसे कल्चरली इकोनॉमिकली ज्योग्राफिकली इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियल, ठीक है, हमारा कंट्री ऑलरेडी बहुत डाइवर्स है, बहुत ही इट्स अ बिग कंट्री, एंड जैसे बोलते हैं ना कि कोस कोस में बदले वाणी और पानी, वो जो कहावत है, तो हमारे यहाँ क्योंकि ऑलरेडी इतना डाइवर्स है और कल्चरली इकोनॉमिकली एंड ज्योग्राफिकली थिंग्स आर डिफरेंट, कहीं माउंटेन्स हैं, आप जानते हैं कि हमारे जो नॉर्दर्न एरिया में माउंटेन हैं, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन्स हैं, हर जगह की समस्याएं अलग हैं, बिहार की कुछ अलग समस्याएं हैं, गुजरात की अलग समस्याएं हैं, महाराष्ट्र की अलग समस्याएं हैं, कहीं पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, कहीं पानी ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, लोगों की बोली डिफरेंट है, तो इतना कल्चरली डाइवर्स कंट्री हमारा है, तो जिसकी वजह से इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि केवल सेंट्रल अथॉरिटी को आप पूरी पावर्स दे सकते थे, दे सकते, और कोई प्रोविंसेस का गठन नहीं किया जाएगा, यानी कि फेडरलिज्म को नहीं किया गया होता, तो क्या गवर्न हो सकती थी हमारी कंट्री? बिल्कुल गवर्न नहीं हो सकती थी, क्योंकि हमारे, क्योंकि जो लोकल नीड्स हैं हमारे, हर जगह की अपनी लोकल नीड्स हैं, ठीक है ना, किसी जगह पे आप जानते हैं, किसी जगह पे जैसे केरला है, तो वहाँ की लिटरेसी रेट ऑलरेडी ज़्यादा है, आपको मालूम है केरला की, तो वहाँ पे ये इशू नहीं है, वहाँ पे और टाइप के इशूज़ हैं, वहाँ लेबर के इशूज़ हैं, लेबर वहाँ पे नहीं अवेलेबल होती है केरला में, ठीक है, बिहार में अबंडेंट अमाउंट ऑफ लेबर अवेलेबल है, महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं, कैपिटल है बट लेबर नहीं है, उत्तर प्रदेश में ग्रीन एरिया बहुत है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत, क्योंकि गंगा है, यमुना है, गंडक एंड ऑल दोस रिवर्स आर देयर, तो बहुत ही रिच सॉयल है, एंड एग्रीकल्चर प्रॉन, एग्रीकल्चर रिच स्टेट है, तो एग्रीकल्चर पंजाब हरियाणा है, जैसे हमारे राजस्थान में डेजर्ट है आप जानते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल स्टेट नहीं है राजस्थान, तो सब जगहों के अपने अपने ज्योग्राफिकल कल्चरल इकोनॉमिकल रिसोर्सेज सबके पास हैं अलग अलग, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि आप किसी एक तरीके से गवर्न कर सकें, तो सब जगह की अपनी नीड्स हैं, इसकी वजह से, इसलिए हमारे देश को फेडरलिज्म, हमारे देश में फेडरलिज्म कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। फेडरलिज्म का मतलब होता है कि डिवीजन की गई पावर्स में, यानी कि एक नेशनल लेवल पे हो गई और डिवीजन हो गई नीचे के लेवल पे, यानी कि लोकल लेवल पे अलग यूनिट्स आपको दी गई, तो लोकल लेवल पे ऑटोनोमी दी गई यूनिट्स को, बट उसको उस ऑटोनोमी के बावजूद ऑल दोज यूनिट्स आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, प्लस ऑल दोज यूनिट्स आर यू नो सेंट्रली गवर्न बाय ए सेंट्रल अथॉरिटी, सो इवन बाय देयर ओन चॉइस दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द विल ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, और दे कैन नॉट यू नो सीसीड फ्रॉम
the Indian, from the India as a union. So India is called as a union of states. You already know that India is a union of states. ठीक है, तो so indestructible union of destructible states. So states can be destructible also, but states को भी अपने level पे autonomy दी गई. So that is the concept of federalism. क्यों? क्योंकि सब, क्योंकि central level पे अलग समस्याएं हैं, अलग मुद्दों को central level पे assign किया गया, जो कि larger national public service के लिए, जो एक जिसको बोलते हैं ना scale of economy, जहाँ पे scale of economy है, for example defense है. So पूरे देश के लिए defense को उसको दिया गया, center को दिया गया. Atomic energy हो गई, communications हो गया, banking हो गया, insurance हो गया, ठीक है, ये सब sectors, railways, airways, तो ऐसे जो sectors हैं जो जो वाइड पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी जिसमें चाहिए, और साथ में जो लार्जर पब्लिक सर्विस को डील करते हैं, ऐसे एरियाज सेंटर को दिए गए. और स्टेट को कौन से एरियाज दिए गए? क्योंकि स्टेट बेहतरी, क्योंकि वो ज़्यादा ज़्यादा क्लोज हैं विद द कॉमन मासेस. स्टेट ज़्यादा क्लोज हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझती हैं अपने लोकल लेवल की नीड्स को. तो स्टेट में डिवीजन किया गया और सबको ऑटोनॉमी भी दी गई, ऑटोनॉमी दी अपने लेवल पे, बट विद सम रेस्ट्रिक्शंस दी गई कि दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द विल ऑफ द यूनियन, दे कैन नॉट यू नो सीसीड फ्रॉम द यूनियन, वो नहीं कर सकती. और उनका यू नो एरिया भी, इट कैन बी इवन इट्स बॉर्डर्स एंड एरिया कैन बी मैप्ड अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, बट देयर इज अ सेफगार्ड दैट इट द लॉ द बिल मस्ट बी पास बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑल्सो बाई सिंपल मेजोरिटी. ठीक है, तो दैट इज आई थिंक बाई ए सिंपल मेजोरिटी. सो वो डिटेल में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, बट द थिंग इज जो मैं आपको बताना चाहता था कि क्योंकि लोकल लेवल पे ऐसे सब्जेक्ट्स असाइन किए गए क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको पता है कि वहाँ पे क्या ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके से मासिस को गवर्न किया जाता है, वो स्टेट ज़्यादा बेहतर जानती हैं. तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो सेंटर और स्टेट की लिस्ट में सेंटर को कंपैरेटिवली वो सब्जेक्ट्स असाइन किए गए हैं जिसमें एक्सपेंडिचर कम खर्च होएगा, और ज़्यादातर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वो दिया गया है स्टेट्स को. तो दिक्कत ये है कि यूनियन के पास एंड स्टेट्स के पास 60% रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट 40% फंड्स हैं जो वो खुद सेल्फ जनरेट करती हैं, जो अपने अपने रिसोर्सेज हैं उनके ओन फंड्स, यानी कि ओन फंड्स. और यूनियन के पास 40% रिस्पॉन्सिबिलिटी है और 60% फंड्स हैं. तो क्योंकि यूनियन और स्टेट के पास अगर आप देखेंगे तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी ज़्यादा है, सो इट हैज़ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट फंडिंग. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको दे दी गई, यानी कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि एग्रीकल्चर में आपको डेवलपमेंट करना है, आपको एजुकेशन में करना है, आपको फॉरेस्ट में करना है, आपको हेल्थ में करना है, ठीक है, लोकल लेवल के जो डेवलपमेंट हैं, रोड्स का डेवलपमेंट हो गया, देन फेरीज, देन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, यू नो लैंड ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दोज थिंग्स. तो ज़्यादा डेवलपमेंटल जो भी प्रोजेक्ट्स थे या एरिया था, दैट इज बीन असाइन टू स्टेट्स. तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है एक्सपेंडिचर करने की, क्योंकि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इसके पास है, बट इसके पास फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं दिए गए इसको. तो क्योंकि इसके पास फंड्स की कमी है और इसके पास फंड्स ज़्यादा हैं, तो बेसिकली ये जो फिस्कल इम्बैलेंस है, सो दिस इज कॉल्ड फिस्कल इम्बैलेंस. तो फिस्कल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म लेकर आया गया हमारे देश में. जैसे पहले क्या था, है ना, फिस्कल इम्बैलेंस के लिए फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन, और अब नीति आयोग हो गया, नीति आयोग, यानी सो वी विल राइट नीति आयोग, ठीक है, सो आई विल रब इट डाउन एंड आई विल राइट इट क्लियरली. फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन
और ये नीति आयोग, अभी तो नीति आयोग ही है, तो अभी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इन इन अथॉरिटीज को, इन इंस्टीट्यूशंस को ये फंक्शनैलिटी दी गई कि जो भी ये फिस्कल इम्बैलेंस है इसको करेक्ट किया जाए। करेक्ट किया जाए मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो फाइनेंसेस सेंटर के पास हैं उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए स्टेट्स में, ताकि स्टेट्स के पास जो डेफिसिट है फंड्स का वो ख़त्म किया जा सके, टू यू नो टू फिल दी गैप्स इन दी डेफिसिट, टू फिल दी गैप्स इन दी रेवेन्यू डेफिसिट, जो रेवेन्यू डेफिसिट का जो गैप है उसको फिल किया जा सके बाय मींस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स फ्रॉम दी सेंटर टू दी स्टेट्स। सो दीज ऑर्गेनाइजेशन, सो नीति आयोग तो नहीं करती है ना, नीति आयोग तो नहीं करती है, अभी क्या करती है, अभी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, यानी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है फाइनेंस कमीशन, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। सो दिस इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, इवन दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी, दिस इज अ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। सो इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय मींस ऑफ एन ऑर्डर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दीज आर द मिनिस्ट्रीज। तो बेसिकली क्या हुआ, इन ये जो फाइनेंस कमीशन था, ये आर्टिकल 280 के माध्यम से इसको सेटअप किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, ठीक है, हर 5 साल में इसको सेटअप किया जाता है। और इसकी इसको क्या बोला जाता है, मतलब इसका फंक्शंस क्या है, दो विच आर मैंडेटरी फंक्शंस क्या हैं इसके, वो फंक्शंस हैं जो कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दिए जाते हैं इसको, बट जो मैंडेटरी है टू टेक आउट दी प्रिंसिपल्स और टू गेट डाउन दी प्रिंसिपल्स फॉर दी डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, यानी कि वर्टिकल डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, ठीक है, बिटवीन दी सेंटर एंड दी स्टेट्स एंड एंड दी प्रिंसिपल्स बाई विच दी whatever funds have been devolved have been distributed among different states, ठीक है, that is horizontal devolution। तो horizontal and vertical devolution कैसे किया जाएगा उसका principle finance commission बताता है। so it so this is the functions of the finance commission come out with the to come out with the principles of distribution of the finances between the center and the state and the horizontal devolution and the principles governing to distribute those finances among different states. So how it will be distributed, and one more terms of reference is there to come out with the grant in aid to fill out any revenue gap if it exists, hai na, grant in aid bhi aapko batana hai. To ye finance commission ke kuch पावर्स एंड फंक्शंस हैं जो कि इसको दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे और किसी लेक्चर में, बट अभी जो यहाँ पे ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है समझना कि जो फिस्कल इम्बैलेंस है इसको इन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से दूर किया जा रहा है, फिस्कल इम्बैलेंस को। फिस्कल इम्बैलेंस में क्या क्या आता है आपका, ये क्या क्या इम्बैलेंस है बेसिकली फिस्कल इम्बैलेंस में, फिस्कल इम्बैलेंस में आपका रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, ठीक है, ये रेवेन्यू एंड कैपिटल डेफिसिट, इसके बारे में हम समझेंगे अभी, ठीक है। अभी हम पहले डिस्कस करते हैं कि करंट प्रेजेंट पावर्स क्या हैं टैक्सेशन की, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो कहाँ से अर्न होता है, बेसिकली रेवेन्यू अर्न करता है सेंटर अपने टैक्सेशन पावर्स को यूज़ करके, जो कि टैक्सेशन एंट्रीज यूनियन में है, और सिमिलरली स्टेट के अंदर स्टेट है, कॉन्करेंट में कोई टैक्सेशन एंट्री नहीं है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं, अच्छा मैं बता दूँ 80% ऑफ द रेवेन्यू सेंटर स्टेट्स का टैक्सेशन से आता है,
So taxation. So there are taxation, revenue, and non-taxation revenue. ₹80% and 20% दोनों का, उसको तो उसका जो रेवेन्यू अर्न है स्टेट का जो है 80% टैक्सेशन से आता है और सेंटर का भी, ठीक है, बट स्टेट क्योंकि उनको पैसा कम पड़ता है जो कि उसकी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उसको खर्च करना पड़ता है 60%, लेकिन फंड्स 40% अवेलेबल हैं, तो 20% का जो गैप उसके पास रह जाता है दैट इज बींग फिल्ड बाई दी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फिल करती है गैप को, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या अथॉरिटी है सेंटर और स्टेट्स के पास। तो मैं आपको ये बता दूं, यूनियन लिस्ट में 13 एंट्रीज हैं जो कि टैक्सेशन एंट्रीज हैं, जिसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट रेवेन्यू अर्न करती है, टैक्स इम्पोज करती है, ठीक है। सो इसमें क्या क्या है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल पे कौन सी है, सो अल्कोहल पे, सो यूनियन लिस्ट में 13 एंट्रीज हैं टैक्सेशन की, और हम थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट बेसिकली क्या क्या इम्पोज कर सकती है, वो एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी इम्पोज कर सकती है किस पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, देन आपका डीजल, देन योर एविएशन फ्यूल, मोटर स्पिरिट, ठीक है, एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, सो यूनियन गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन द सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन, टैक्स एंट्रीज विच आर मेंशन इन द यूनियन लिस्ट, सो देयर आर 13 सच एंट्रीज, और ये 13 एंट्री जो हैं इसके बारे में ब्रीफ समझ लेते हैं। एक तो यूनियन गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है पेट्रोलियम पे, क्रूड है ना, क्रूड पे, डीजल, देन योर पेट्रोल, गैस, एविएशन फ्यूल एंड टोबैको, इन सब पे एक्साइज ड्यूटी लगाती है यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, उसके अलावा ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, और एक तो हो गया एक्साइज ड्यूटी, सेकंड इज योर कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी, देन डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल
एग्रीकल्चरल इनकम पे जो टैक्स लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में आता है, बट इनकम टैक्स अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा जितनी भी इनकम्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के परव्यू में आती है. देन योर कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, उसके अलावा क्या और टैक्सेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, टर्मिनल टैक्सेस ऑन, सो ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है अगेन, सो दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस. देन थर्ड, टर्मिनल टैक्सेस ऑन, टैक्सेस ऑन एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज, इन पे जो टैक्स लगाते हैं, ठीक है, दैट इज बीन डन बाय यूनियन गवर्नमेंट. उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, किस पे स्टैम्प ड्यूटी, ऑन प्रोमिसरी नोट्स, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, शेयर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक्स एटसेट्रा, इन सब पे स्टैम्प ड्यूटी लगाती है यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है. उसके अलावा कस्टम्स मैंने बता दिया, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी मैंने बता दी, देन आपका एंड टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ अनदर टैक्स, सो इट इज नॉट विजिबल, सो फिफ्थ वन इज टैक्स ऑन दी सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, है ना, ट्रेड और कॉमर्स, और साथ में इंटरनेशनल वाला भी, इंटरनेशनल ट्रेड, तो उस पे जो टैक्स लगता है, यानी कि फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट जो भी गुड्स आपके सप्लाई होते हैं उस पे जो टैक्स लगता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है. सो इनके ऊपर बेसिकली, तो ये जो भी ऐसे आइटम्स हैं, टोबैको, फ्यूल, गैस, सो इफ दे आर बीन सप्लाइड इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स देन दैट टैक्स शैल बी इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसके ऊपर. अगर ये जो कंपोनेंट्स हैं अगर विद इन अ स्टेट बिकेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है टैक्स, ठीक है, दैट इज द सेल्स टैक्स. लेकिन टबैको के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता क्योंकि ये जीएसटी के अंदर आता है, केवल इसमें एक्साइज एक्स्ट्रा है, इसके अभी बात करते हैं, ठीक है. सो इन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, और इफ दी इफ द सप्लाई इज बीइंग टेकिंग प्लेस इंटरनेशनल, इंटरनेशनली, ठीक है, सो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, एंड इफ द प्रोडक्ट्स आर कमिंग टू इंडिया, तो उसके ऊपर बेसिकली कस्टम्स ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है. तो उसके ऊपर जो भी अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पे कोई सप्लाई हो रही है तो दैट इज बीन कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो ये यूनियन गवर्नमेंट ये टैक्स इम्पोज करती है, ठीक है. तो ये 13 कुल मिला के एंट्रीज हैं. उसके अलावा टैक्सेस ऑन दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे भी टैक्सेस लगता है, एस्टेट ड्यूटी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, तो एस्टेट ड्यूटी जो लगती है बेसिकली, सो व्हाट इज दैट कॉल्ड, सो एस्टेट ड्यूटी, जस्ट अ मिनट, सो एस्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, एंड ड्यूटी इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, तो इसके ऊपर भी जो टैक्सेस होते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट का देखते हैं, स्टेट लिस्ट में एंट्रीज हैं, दैट आर दी 18 एंट्रीज,
सो 18 एंट्री स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में वी हैव 18 एंट्रीज, ठीक है ना। अब ये भी एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करती है, लेकिन केवल ये एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करती है ऑन लिकर, अल्कोहल है ना, अल्कोहल पे करती है केवल ये एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, उसके अलावा ये सेल्स टैक्स करती है, सेल्स टैक्स किस पे, पेट्रोलियम, जो मैंने सब प्रोडक्ट्स बताए थे उस टाइम, पेट्रोलियम पे, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल पेट्रोल, इसको मोटर स्पिरिट भी बोलते हैं पेट्रोल को, ठीक है ना, गैस, एविएशन फ्यूल नारकोटिक्स सब्सटेंसेस, इनकी सेल होती है अगर, बट दैट डजंट कंप्राइजिंग मेडिसिनल और टॉयलेट नहीं है इसमें, मेडिसिनल और टॉयलेट नहीं है इसमें, मेडिसिनल एंड टॉयलेट कवर हो गया है, टॉयलेट एक्सपेंड टॉयलेट प्रिपरेशन दैट गोज अंडर जीएसटी, वो जीएसटी में चला गया है। तो बहुत सारे टैक्सेस जीएसटी में चले गए हैं, जिसमें मेडिसिनल एंड टॉयलेट के ऊपर जो भी टैक्सेस लगते थे, इस पे एक्साइज ड्यूटी, इस पे सेल्स, दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी में चला गया है। और जीएसटी में आप जानते हैं कि कंकरेंट पावर्स दी गई हैं, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों इम्पोज करती हैं टैक्स सप्लाई इन द कोर्स ऑफ सप्लाई। तो जब भी कोई सेल एंड परचेज हो रहा है तो जीएसटी इम्पोज होती है उसके ऊपर, और अगर इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट हो रहा है तो आईजीएसटी इम्पोज होती है, दैट इज बीन इम्पोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर विद इन अ स्टेट हो रहा है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी बाय सेंट्रल वो उसको रिटेन करता है, एसजीएसटी स्टेट, और आईजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, बट हैज बीन डन बाय द लॉ पास बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। सो दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स। तो भी केवल यही है कि स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी करती है लिकर अल्कोहल पे, सेल्स टैक्स इन सब के ऊपर करती है, और आप जानते हैं लैंड रजिस्ट्रेशन पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, लैंड रजिस्ट्रेशन और व्हीकल्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, आप खरीदते हैं तो व्हीकल के ऊपर रोड टैक्स लगता है आप जानते हैं, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो व्हीकल से बहुत पैसा कमाती है। देन आप जानते हैं कि जब भी कोई ड्राइविंग लाइसेंस इस टाइप की कोई भी अगर सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे राशन कार्ड बनना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनना है, ठीक है ना, इस टाइप की कोई भी सर्विसेज है तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में आती हैं, रोड टैक्स, देन लैंड की रजिस्ट्री हो रही है, आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी, सो जो टैक्स ऑन दी हाउस, टैक्स ऑन दी प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसका जो 7% आप पे करते हैं लैंड रजिस्ट्री का, तो वो भी 7%, 6%, 8% जो भी है, सो दैट हैज़ बीन, दैट इज कवर्ड अंडर द, दैट हैज़ बीन इम्पोज बाई द स्टेट गवर्नमेंट एंड रिटेन बाई द स्टेट ओनली। तो ये स्टेट के ये सब टैक्सेज हैं जो स्टेट ही रिटेन करती है। सो देयर आर 18 सच टैक्सेस और टोल्स, ठीक है ना। देन टैक्सेस ऑन प्रोफेशन, बहुत जगह प्रोफेशनल टैक्स भी है, वो भी ये इम्पोज करते हैं, सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 2500 पर एनम, ठीक है। टैक्स ऑन ब्रिजेस, टैक्स ऑन रोड्स, टैक्स ऑन यू नो फेरीज, कार्स, टैक्सीज, ऑन यू नो कहीं कोई लेक है तो उसके ऊपर अम्यूजमेंट है तो फिर उसकी बोटिंग वोटिंग जो भी होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अम्यूजमेंट है तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक है। उसके अलावा टैक्स ऑन दी कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पे ये चार्ज करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी पे ये चार्ज करती है। देन आपका वाटर टैक्स, वाटर पे टैक्स होता है वो ये चार्ज करती है। तो बहुत सारे टैक्सेस हैं जो इसके अंडर में आते हैं, कम तो 18 सच टैक्सेस हैं, ठीक है ना। और स्टैम्प ड्यूटी, जैसे मान लीजिए आपको कोई सेल डीड करनी है, कुछ बेचनी है प्रॉपर्टी, यानी आपने किरायानामा लिख दिया तो जो 100 रुपये का स्टैम्प पेपर होता है वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी लेती है। तो स्टैम्प ड्यूटी मोस्टली स्टैम्प ड्यूटी यही लेती है, स्टैम्प ड्यूटी जिस भी जो भी आप प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई सेल डीड है, कोई किरायानामा है, ठीक है ना, कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट, कुछ भी आप एनी ट्रांजेक्शन हो रहा है जो आप उस पर फॉर्मली अगर आप पेपर पर लिखवाते हैं, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, इस टाइप के सब ये स्टैम्प ड्यूटी सब ये स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में आती है। एक्साइज ड्यूटी लिकर पे बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी लिकर पे ये लेते हैं, एक्साइज ड्यूटी और लिकर और सेल्स, अच्छा सेल्स भी तो है ना, लिकर की सेल्स पे भी,
नारकोटिक्स प्लस लिकर, अल्कोहल की सेल्स और एक्साइज ड्यूटी दोनों का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत मोटा रेवेन्यू लिकर कंजम्पशन एंड लिकर प्रोडक्शन से आता है, मैं आपको ये बता दूँ। तो इसलिए आप जानते हैं कि कोरोना के टाइम पे लिकर की दुकानें खोल दी गई थी और जरूरत की चीज़ें नहीं खोली गई थी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिस्टर्ब हो गया था, रेवेन्यू अर्निंग जो इम्पैक्ट हो गई थी एक उन्हें लार्ज स्केल, इसलिए उन्होंने खोलना पड़ा था ताकि उनको कम से कम रेवेन्यू तो कम से कम आए ताकि वो रोजमर्रा के अपने खर्चे तो चला सकें, ठीक है ना। तो क्योंकि स्टेट और सेंट्रल से मिल नहीं रहा था जीएसटी कंपनसेशन, सेस के माध्यम से जो पैसा उनको मिल रहा था वो नहीं मिल रहा था, तो इनको इसलिए लिकर शॉप्स आनन फानन में खोलनी पड़ी थी। तो यही इसी वजह से खोलनी पड़ी थी क्योंकि लिकर का कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ये स्टेट गवर्नमेंट में जाता है, ठीक है ना। सेल्स ये मोटे मोटे ये टैक्सेस हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स, टैक्सेशन की जो पावर्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट जो हमें एक बार पढ़ने चाहिए, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 268 ये क्या कहता है, टैक्स लेवीड बाय यूनियन, है ना, यूनियन लेवी कर रही है बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड, स्टेट्स अप्रोप्रिएट कर रही हैं उसे। इसमें कौन से टैक्स आते हैं, इसमें टैक्स आते हैं स्टैम्प ड्यूटी जो सेंट्रल इंपोज करती है, जो मैंने आपको बताया था स्टैम्प ड्यूटी जो प्रॉमिसरी नोट्स के ऊपर जो करती है, चेक्स के ऊपर करती है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर करती है, पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस पे करती है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे करती है एटसेट्रा। ये जो जो भी टैक्स ऐसे इम्पोज करता है ये यूनियन गवर्नमेंट करती है बट कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट करती है और अप्रोप्रिएट भी स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं होता बट ये उसी को असाइन हो जाता है जो जो जिस स्टेट में ये लेवी हो रहा है ये टैक्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 268 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 269 268A था वो रिपील कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है, वो सर्विस टैक्स के ऊपर था, वो जीएसटी के परव्यू में आ गया है। अब हम 269 पढ़ते हैं। 269 क्या कहता है, 269 कहता है टैक्स लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर, सेंटर कलेक्ट भी करेगा लेवी भी करेगा बट अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स, स्टेट अप्रोप्रिएट करती है, यानी कि लेवी एंड कलेक्शन बाय द सेंटर, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्रोप्रिएट कर लेती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को फाइनली टैक्स जो है मिल जाता है, पैसा उसका मिल जाता है। इसमें कौन से टैक्स आते हैं, इसमें दो टाइप के टैक्स आते हैं, टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, है ना, इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स, यानी कि जब इंटरस्टेट ट्रेड हो रहा है तो जो गुड्स का सप्लाई होता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो मैंने आपको बताया था यूनियन गवर्नमेंट लगाती है बट वो स्टेट को असाइन हो जाता है, ठीक है, स्टेट्स को। और टैक्स ऑन द कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स सेम इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट को ट्रेड, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि यूनियन गवर्नमेंट किसके ऊपर टैक्स इम्पोज कर सकती है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर कर सकती है, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कौन सी थी, पेट्रोलियम की थी, एविएशन फ्यूल की थी, नेचुरल गैस की थी, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, ठीक है, टोबैको के ऊपर थी एक्साइज ड्यूटी,
तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर ये गुड्स के ऊपर ये टैक्स लगा सकती है यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर वो इंटर स्टेट ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है, और साथ में अल्कोहल जो जीएसटी के अंडर में नहीं है, जो जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जीएसटी के अंडर में अभी तक नहीं आए हैं, ठीक है, अगर ये इंटर स्टेट ट्रेड इनका हो रहा है गुड्स का, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, बट इट हैज बीन असाइंड टू द स्टेट, अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, ठीक है। तो कौन सी स्टेट अप्रोप्रिएट करेगी, तो दैट विल बी फिक्स बाय द पार्लियामेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और अप्रोप्रिएशन बाय द स्टेट्स हैज बीन फिक्स बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कानून बनाएगी और पार्लियामेंट कानून के माध्यम से ऐसे टैक्सेस, ये सब टैक्सेस को अप्रोप्रिएट करेगी स्टेट्स, यानी कि प्रोडक्ट दो स्टेट्स इन्वॉल्व है ना, इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, तो किसको कितना पैसा मिलेगा वो फिक्स करेगी पार्लियामेंट, ठीक है। देन 269A, 269A देख लेते हैं। तो 269A क्या कहता है, IGST के बारे में बात करता है। तो ये कहता है कि सो द टैक्स, ठीक है, ऑन दी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अगर इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स हो रहा है और सप्लाई हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो द टैक्स दैट विल बी इम्पोज बाय सेंटर। सो टैक्स टैक्स लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। तो IGST ऐसा टैक्स है, तो जो गुड्स जीएसटी के अंडर में आ गए, बाकी तो थोड़े से रह गए थे, वो तो 269 में आ गए, बाकी जितने भी गुड्स हैं जिन पे जीएसटी अप्लाई हो गया, तो वो गुड्स का अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है इन दी कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, और या किसी सर्विस का हो रहा है, ठीक है, सर्विस आप यूटिलाइज कर रहे हैं इंटर स्टेट ट्रेड में, इंटर स्टेट ट्रेडिंग हो रही है यानी कि सर्विस को यूटिलाइज हो रही है, तो IGST इम्पोज होती है और IGST डिस्ट्रीब्यूट होती है सेंटर एंड स्टेट्स में। तो इसका कौन डिसाइड करेगा कि कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सो द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी फिक्स बाय डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स बाय पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस के ऊपर जितना वो कहेगी उसी भी हिसाब से पार्लियामेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देगी सेंटर एंड स्टेट्स में IGST को। उसके अलावा जो प्रिंसिपल्स हैं जो ये बताएंगे कि सप्लाई जो हो रही है इंटर स्टेट ट्रेड को क्या मतलब है, कि इस सब की किस टाइप की सप्लाई है, यानी कि द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड जो इंटर स्टेट ट्रेड की सप्लाई है, तो इसको प्रिंसिपल की डिटरमाइन करना कि क्या सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है इंटर स्टेट में, और सप्लाई कैसे हो रही है वो जो प्रिंसिपल्स हैं डेट विल ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाई दी पार्लियामेंट। सो दी प्लेस ऑफ सप्लाई एज वेल एज सो द प्रिंसिपल्स सो दैट दोज प्रिंसिपल्स विच डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई एज वेल एज वेदर द सप्लाई इज अकरिंग इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और एंड कॉमर्स और नॉट हैज बीन फिक्स्ड बाय द प्रिंसिपल्स हैज बीन डिसाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स एज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट फिक्स करेगी वो प्रिंसिपल जो डिटरमाइन करेंगे द प्लेस ऑफ सप्लाई और कि क्या सप्लाई इंडस्ट्री ट्रेड और कॉमर्स में हो रही है नहीं हो रही है, ये चेक ये देखना क्या प्रिंसिपल्स हैं जिससे पता चलेगा कि वो जो सप्लाई इंडस्ट्री ट्रेड और कॉमर्स में हो रही है नहीं हो रही है, वो प्रिंसिपल्स दैट विल बी फिक्स बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। दैट इज 269A। देन वी हैव 270। सो 270 क्या कह रहा है, 270 कह रहा है 269, 269A एंड 268 एंड 268 एंड 271।
इसमें जो भी टैक्स आपने जिक्र किए हैं, ठीक है ना, 271 अभी जिक्र करेंगे, 268 में मैंने वो स्टैंप ड्यूटी का जिक्र किया था, IGST और सेंट्रल टैक्स ऑन किसमें, ऑन गुड्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST। इसके अलावा कोई भी टैक्स है वो 270 में आते हैं, ठीक है। सो द टैक्स, सो दोज टैक्स विल बी लेवीड, कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो इसमें कौन से टैक्स आते हैं, वाले टैक्स जो कि 269 में नहीं आते, 269A में नहीं आते, 268 में नहीं आते एंड 271 में नहीं आते। ऐसे कौन से टैक्स रह गए, इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स है ना, और कस्टम्स ड्यूटी, और टैक्स ऑन हाईवे, टैक्स ऑन एयरवेज, टैक्स ऑन वाटरवेज, ठीक है, टैक्स ऑन एस्टेट ड्यूटी, ये सब टैक्सेस, और टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ एक्सेक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, उस पर जो टैक्स है, ठीक है, अलग जो टैक्स इनमें कवर नहीं हो रहे, तो बाकी ये सब जो टैक्स हैं ये भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे सेंटर एंड स्टेट्स में, ठीक है। डेट कम्स अंडर दी परव्यू ऑफ 270। सो 270 के अंतर्गत ऐसे सब टैक्सेज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है जो इनमें कवर नहीं हो रहे। इसके अलावा कोई भी सेस है, डेट ऑल्सो कम्स अंडर दी परव्यू ऑफ 270 एंड 271 सरचार्ज। सो वी हैव टू टर्म्स हियर, सरचार्ज एंड सेस। सेस आता है 270 और 271 में आता है सरचार्ज। तो कोई भी सेस है वो आर्टिकल 270 के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, वो ताकत देती है सेस लगाने की। नहीं सॉरी, गलत हो गया, ठीक है। इसके अलावा इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी हो गया, और जो मैंने आपको बताए टैक्सेस सारे, इसके अलावा 271 सरचार्ज, ये भी इसके अंडर में नहीं आता ये अलग से, एंड सेस भी नहीं आता, कोई सेस लगाती है अगर गवर्नमेंट तो, क्योंकि सेस एंड सरचार्ज एक्चुअली दो चीज़ें हैं अलग अलग, बट दे आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, बट दे आर एक्चुअली रिटेन्ड बाई द सेंटर। द एंटायर सेस एंड द सरचार्ज अमाउंट हैज बीन रिटेन्ड बाई द सेंटर। सरचार्ज आता है 271 में, और सेस बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है किसी भी टैक्स के ऊपर फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज, टू मीट एनी स्पेसिफिक पर्पज। तो अभी सेस और सरचार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। सो सेस क्या होता है बेसिकली, सेस किसी भी एक पर्टिकुलर पर्पज को मीट करने के लिए, कोई भी एक डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सेस इम्पोज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, ठीक है। जैसे कृषि कल्याण सेस है, अगर आपको एग्रीकल्चर के लिए कुछ करना है, एग्रीकल्चर में कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, और किसी भी चीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, हाईवेज के लिए, देन यू हैव एजुकेशन सेस, देन यू कैन बी, इट कैन सेस कैन बी हेल्थ सेस, कैलामिटी सेस, ठीक है, जैसे केरला ने लगाया था अभी कैलामिटी सेस। तो सेस कोई भी गवर्नमेंट लगा सकती है सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, बट किसी पर्टिकुलर पर्पस को मीट करने के लिए लगाती है, तो वो स्पेसिफाई करना पड़ता है कि किस पर्पस के लिए मीट लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एजुकेशन सेस लगाया, तो आप हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए लगा रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर पर्पस के को मीट करने के लिए सेस लगाया जाता है, एंड दैट कैन बी इम्पोज बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अब सेस में क्या होता है कि इस जो भी प्रोसीड्स होते हैं इन दी सेस, दैट कैन बी, दे आर अप्रोप्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दे आर, यू नो, सो द कस्टडी ऑफ द मनी गोज इन टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड आफ्टर द अप्रोप्रिएशन एक्ट हैज बीन पास बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट जब अप्रोप्रिएशन एक्ट पास कर देती है, जिसके माध्यम से जो सेस लगाया गया है, क्योंकि टैक्सेशन प्रपोजल्स गवर्नमेंट बजट के माध्यम से ही पुट अप करती है इन द पार्लियामेंट, तो जब अप्रोप्रिएशन एक्ट पास हो जाता है जिसके माध्यम से जो भी टैक्स लगाया गया है, सो देयर इज अ फाइनेंस बिल एंड देयर इज अ अप्रोप्रिएशन एक्ट। सो जो भी ये फाइनेंस एक्ट एज वेल एज अप्रोप्रिएशन एक्ट पास हो जाता है पार्लियामेंट में,
तो जो कंसोलिडेटेड फंड में क्रेडिट हुआ था मनी, देन दैट कैन बी यूज बाय द गवर्नमेंट फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पज ऑल्सो. बट हाल फिलहाल में देखा गया है, वो हम इश्यूज में पढ़ेंगे कि सेस्को गवर्नमेंट और अलग अलग चीजों में भी यूज कर रही है. 40-45% तो ही यूज हुआ है फॉर दी पर्पज, बट 55% करीबन स्टैटिस्टिक्स ऐसा आया है कि गवर्नमेंट ने यूज नहीं किया है फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पज, जो कि सेस इम्पोज करने के लिए लगाया गया था. जैसे आप कैलमिटी के लिए केरला गवर्नमेंट ने लगाया था, जो फ्लड्स आए थे तो एक सेस लगाया था कि उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए जो भी ह्यूमन दोज हु हैव सफर्ड देयर लाइफ, दोज ऑल पीपल हु हैव सफर्ड ड्यू टू द फ्लड्स, सो टू प्रोवाइड वेलफेयर टू दोज पीपल केरला गवर्नमेंट हैज पुट अप अ कैलमिटी सेस, दैट इज GST कैलमिटी सेस. ठीक है, ऑन GST इट हैज पुट. तो ये सेस लगाया जाता है. अब आपको मैं ये बता दूं, सेस कैन बी पुट ऑन डायरेक्ट, सेस इज अ टैक्स ऑन टैक्स, तो किसी टैक्स पे ही टैक्स लगाया जाता है. यानी कि जैसे मान लीजिए ये जो कृषि कल्याण है और एजुकेशन है, ये इनकम टैक्स पे लगाया जाता है. देयर इज अ कॉर्पोरेशन सेस ऑल्सो, जो कॉर्पोरेशन टैक्स पे लगाया जाता है. तो बहुत टाइप के टैक्सेस हैं, इनके ऊपर एक एडिशनल एक सेस लगाया जाता है उस टैक्स के ऊपर ओवर एंड अबव. तो अगर मान लीजिए इनकम टैक्स आपका 30% है और इसके ऊपर 10% का लगा दिया सेस, सो इट इज इट कम्स अबाउट टू दी 33% जो टोटल टैक्स होगा. सो टैक्स पे लगाया जाता है, आपकी टैक्सेबल इनकम में नहीं लगाया जाता, वो टैक्स के ऊपर लगाया जाता है. ठीक है, टैक्स ऑन दी टैक्स, दैट इज दी सेस. सरचार्ज क्या है? सरचार्ज कम्स अंडर दी परव्यू ऑफ आर्टिकल 271 में. सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं इम्पोज. स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो कैन इम्पोज, जस्ट स्टेट गवर्नमेंट भी इम्पोज कर सकती है सरचार्ज. तो बट डिफरेंस ये है सरचार्ज के लिए, सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है कि सरचार्ज जो है ना किसी एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए नहीं लगाया जाता है. ठीक है, सेस जैसे एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए लगाया जाता है, सरचार्ज किसी पर्पज के लिए नहीं लगाया जाता. जैसे मान लीजिए आपने इनकम टैक्स के ऊपर कुछ सरचार्ज लगा दिया, ठीक है, लेकिन उन लोगों के लिए लगाया जिनकी इनकम 30 लाख से ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ये पर्टिकुलर ये पैसा किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है. बस ये एक्स्ट्रा एक आपने सरचार्ज लगाया है ताकि गवर्नमेंट कुछ कमाई कर सके फॉर सम वेलफेयर प्रायोरिटीज, लेकिन वो फिक्स करने की जरूरत गवर्नमेंट को नहीं है. गवर्नमेंट कैन यूज़ दी मनी एज पर इट्स विश और एज पर इट्स चॉइस, बट सेस को आपको एज पर वट एवर यू हैव पुट अप इन दी प्रपोजल, जो आपने ऑर्डर में सेस को पुट अप करते टाइम पार्लियामेंट के सामने आपने जो उसका पर्पज डिफाइन किया है उसी पर्पज के लिए आप यूज़ कर सकते हो. वो आप कर नहीं रहे हो वो बात अलग है, बट सरचार्ज को आप किसी पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हो. तो 271 में क्या है, वो सरचार्जेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, एंड दी सेस एंड सरचार्जेस आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेबल टू दी स्टेट्स. ये एक बात है कि सेस और सरचार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते स्टेट्स में. सो द प्रोसीड्स ऑफ सच टैक्स विल गो सोलली टू दी सेंटर, सेंटर को ही जाता है सारा पैसा, और स्टेट करती है तो स्टेट को जाता है. ठीक है, और सरचार्ज भी क्या है, टैक्स ऑन टैक्स, किसी एक टैक्स पे आपने एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया. तो वही 30% मान लीजिए इनकम टैक्स है, उसके ऊपर आपने 10% लगा दिया तो 33% स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी पे लगाती है टैक्स, सरचार्ज लगाती है. जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टैम्प ड्यूटी पे सरचार्ज लगाया है, पहले तो स्टैम्प ड्यूटी बढ़ाई थी 10%, फिर उसके ऊपर 10% सरचार्ज लगा दिया, तो इफेक्टिवली 11% हो गया टैक्स. तो क्या क्या करते हैं, ये सरचार्ज एक्स्ट्रा लगा देते हैं कोई डेवलपमेंट प्रायोरिटीज के लिए. मान लीजिए आप काउ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप रोड्स कंस्ट्रक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, पोर्ट्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं. ठीक है, कैलमिटी को प्रिवेंट करने के लिए, उसको वेलफेयर देने के लिए लोगों को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आप किसी भी तरीके से उस सरचार्ज को यूज़ कर सकते हैं. तो सरचार्ज गवर्नमेंट लगा सकती है. ठीक है, अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, सेस एंड सरचार्ज GST पे नहीं लगाया जाता. सब टैक्स आप एक्साइज ड्यूटी पे लगाओ, आप सेल्स टैक्स पे लगाओ, आप स्टैम्प ड्यूटी पे लगाओ, बट GST पे नहीं लगाया जाता. तो मैं आपको बता दूं, GST पे नहीं लगाया गया है एक्सेप्ट GST कंपनसेशन सेस एंड GST कैलेमिटी सेस. उसके बारे में अभी मैं आपको समझा देता हूँ, लिख के बोर्ड पे व्हाट इज GST कंपनसेशन सेस एंड व्हाट इज GST कैलेमिटी सेस. तो 271 हमने 271 देख लिया, एंड देन टैक्सेस लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट्स. सो वो मैंने आपको भी बताया ही था कि स्टेट लिस्ट में जितने भी टैक्सेस हैं वो सारे 18 एंट्रीज हैं, वो इम्पोज कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, ये है टैक्सेशन पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन. GST के ऊपर सेस और सरचार्ज नहीं लगाया जाता, वो हम देख लेते हैं.
सो जीएसटी कंपनसेशन सेस देख लेते हैं. सो जीएसटी के ऊपर जैसे मैंने बताया सेशन सरचार्ज नहीं होता एक्सेप्ट इन द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. सो जीएसटी कंपनसेशन सेस के लिए पार्लियामेंट ऑलरेडी पार्लियामेंट ने कानून पास किया है इन द पार्लियामेंट कि जीएसटी को एक्चुअली क्या है जीएसटी कंपनसेशन सेस के माध्यम से व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग कि जब जो जीएसटी आया जिससे स्टेट्स की ऑब्वियसली स्टेट्स की पावर रेस्ट्रिक्ट हो गई वो मैं बताता हूँ आपको जब थोड़ा सा जीएसटी के बारे में पढ़ लेते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको क्यों रेस्ट्रिक्ट हो गई जीएसटी के माध्यम से. क्योंकि पहले क्या होता था ना पहले मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट को मान लीजिए कोई पिलग्रिमेज है ठीक है ना कोई उनके पास कोई ऐसा उनके यहाँ कोई श्राइन है ऐसा ठीक है ना जो कि बहुत ही ज्यादा पूजनीय है बहुत ही डिवोशनल श्राइन है और वहाँ पे पिलग्रिमेज होता है मतलब लोग आते हैं प्रेयर करते हैं प्रेयर ऑफर करते हैं और जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ फैसिलिटी देना चाहती है ठीक है. तो फैसिलिटी देने के लिए ऑब्वियसली पैसा चाहिए तो स्टेट गवर्नमेंट पहले क्या करती थी पहले उसके पास क्या पावर थी कि उसके पास सेल्स टैक्स की पावर थी. तो क्या करेगी कि मान लीजिए एसी की बिक्री हो रही है या कार की बिक्री हो रही है उसके ऊपर एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स लगा दिया यानी कि 12-14% कर दिया. ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेचर में पास करना पड़ेगा कानून लेकिन उसने बढ़ा दिया 2%. या फिर इसको मैं सेस की बात कर रहे हैं अभी हम तो सेस के तरीके समझते हैं. तो सेस लगा दिया किसी टैक्स पे किस पे लगा दिया मान लीजिए आपके एसी फ्रिज एसी पे एसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है लग्जरी आइटम्स की बिक्री पे आपने 2% एक्स्ट्रा सेस लगा दिया तो जो उसका पैसा अप्रोप्रिएशन होगा द मनी विच हैज कम ड्यू टू व्हेन दैट लग्जरी आइटम हैज बीन सोल्ड इन द मार्केट सो दैट हैज बीन अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड देन दैट मनी कैन बी यूज्ड फॉर दिस पिलग्रिमेज ठीक है ना. सेस को यूज कर सकती थी गवर्नमेंट तो अपनी विम्स एंड फैंसीज पे वो कभी भी कोई सेस या सरचार्ज इम्पोज कर सकती थी स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर इनडायरेक्ट जीएसटी के ऊपर ऑब्वियसली ठीक है ना. जीएसटी पहले नहीं था तो पहले कोई भी वैट था पहले सेल्स टैक्स था तो किसी भी प्रोडक्ट की बिक्री के ऊपर आपने इम्पोज कर दिया किसी सेल्स टैक्स पे कर दिया या स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर कर दिया ठीक है. वो तो अब भी कर सकते हो बट पहले क्योंकि जीएसटी में सारे इसके टैक्सेस कवर हो गए ठीक है. मान लीजिए आपका एंट्री टैक्स है आपका परचेस टैक्स है ठीक है एंड योर सेल्स टैक्स इज देयर सो बहुत सारे जो वैट हैं वैट विच इज सेल्स टैक्स ठीक है वो जीएसटी के परव्यू में आ गए. ठीक है उसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स है सेंट्रल सेल्स टैक्स है ऑक्ट्रॉय एंट्री लग्जरी टैक्स टैक्सेस ऑन लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग वगैरह पे जो टैक्स था ठीक है. तो इसके ऊपर सेस लगा के किसी भी टैक्स के ऊपर वो पैसा निकाल सकती थी गवर्नमेंट. लेकिन जीएसटी के अंडर में आने के बाद क्या हुआ वो एक तो जीएसटी में क्या हुआ सारे टैक्सेस जीएसटी में चले गए. तो पहले कोई भी अभी क्या है ना इनको काउंसिल में जाना पड़ता है काउंसिल में क्योंकि इनकी रिप्रेजेंटेशन है तो 3/4 majority से काउंसिल में क्या है 3/4 majority से कोई भी प्रपोजल पुटअप होगा तो 3/4 majority से अगर पास हो गया इनकी 75 majority से और इन तो इनकी 66% इनका वोटिंग राइट्स है 2/3 तो 9% और एक्स्ट्रा इनको वोटिंग राइट्स चाहिए था जो कि ऑब्वियसली सेंटर भी एग्री करना पड़ेगा सेंटर का 1/3% 1/3 वोटिंग राइट है तो इनको जाके वहां पे बैगिंग करनी पड़ेगी कोई भी अगर इन्हें सेस लगाना है सरचार्ज लगाना है ओवर एंड अबव द जीएसटी जो जीएसटी का इसको अधिकार मिला है और साथ में जीएसटी का रेट भी अगर इसे बढ़वाना है किसी एक पर्टिकुलर क्योंकि सब पे तय है अलग अलग आइटम्स में अलग अलग जीएसटी रेट है तो अगर स्टेट गवर्नमेंट बढ़वाना चाहती है मान लीजिए लग्जरी पे ज्यादा करवाना चाहती है तो भी इसको बैक करना पड़ेगा वहां पे. तो अगर एग्रीमेंट होगा विद इन दिस जीएसटी काउंसिल जो कि पहले नहीं था पहले अपने स्टेट लेजिस्लेचर के में ही अगर इसे कोई टैक्स बढ़ाना था होता था जो